दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कुर्ला स्टेशन मुंबई पूर्व में कुर्ला स्टेशन कोर्ट सी मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क की मध्य और हार्बर लाइनों पर एक रेलवे स्टेशन है। ये भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। ये बॉम्बे मुंबई और तन्ना ठाणे के बीच मूल 21 मील 33.8 किलोमीटर ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे GIPR खंड का हिस्सा है, जो 1853 में खुला था। कुर्ला पर समाप्त होने वाली लोकल ट्रेनों का संचालन 1879 में शुरू हुआ। 1913 में एक उपनगरीय टर्मिनस बनाया गया और 1915 में लाइन को चौगुन कर दिया गया। कुर्ला और चेंबूर के बीच एक सिंगल लाइन जो 1906 में कचरा निकासी के लिए बिछाई गई थी, 1924 में उपनगरीय यातायात के लिए खोली गई थी। 1950 में लाइन के विद्युतीकरण होने तक सेवा भाप इंजनों द्वारा संचालित की जाती थी। हार्बर लाइन आधिकारिक तौर पर 12 दिसंबर 1910 को कुर्ला और वेयर रोड के बीच खोली गई थी। इसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह शहर के प्राकृतिक बंदरगाह के साथ पूर्वी इलाकों की जरूरतों को पूरा करता था। 1925 में यह लाइन तत्कालीन विक्टोरिया टर्मिनस से जुड़ी थी। एक के माध्यम से के बीच एलिवेटेड रेल कॉरिडोर डॉकयार्ड रोड और सैंडहर्स्ट रोड इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा निर्मित देश की पहली EMU रेक 1925 में हार्बर लाइन पर बॉम्बे VT और कुर्ला के बीच पेश की गई थी। 1925 में यह लाइन तत्कालीन विक्टोरिया टर्मिनस से जुड़ी थी। एक के माध्यम से के बीच एलिवेटेड रेल कॉरिडोर डॉकयार्ड रोड और सैंडहर्स्ट रोड इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा निर्मित देश की पहली EMU रेक 1925 में हार्बर लाइन पर बॉम्बे VT और कुर्ला के बीच पेश की गई थी।